यदि आप इस महल से चले जाएंगे तो कौर जगमाल की समस्या और गंभीर हो जाएगी। अब आप कौर जगमाल के बारे में ही सोच रहे हैं रानी मां। ऐसा नहीं है, अपने मन में ये बात मत लाइए कि हम आपसे स्नेह नहीं करते। आप जानते हैं ना कुंवर प्रताप, कि आपकी रानी मां आपसे कितना प्रेम करते हैं। हमारा यहां से जाना ही उचित होगा। आशीर्वाद दीजिए। भाई को ये लगता है कि कल जाके रानी मां के कारण हमें राज सिंहासन ना मिल जाए, उन्हें कल सूर्योदय से पहले मृत्यु दंड दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए। बाऊजी राज, आप अब सबको छोड़ के मत जाइए। बाऊजी राज मत जाइए, मत जाइए बाऊजी राज, मत जाइए, मत जाइए। हां कोई प्रताप, आपके बिना ये चित्तौर अधूरा है, अब मत जाइए। आज हम नितांत अकेले पड़ गए हैं जयंत भाई जी, बिल्कुल अकेले पड़ गए। पहले आप हमें छोड़कर चली गई और अब कुंवर प्रताप भी हमें अकेला छोड़कर चले गए। सब कुछ समाप्त हो गया, हम भी और अजब देख, आप वहां क्यों खड़ी हैं? चलेंगी नहीं हमारे साथ? आपका सामान भी बंधवा लिया है, बैठे। रुकिए गौर प्रताप,
बाबूजीराज आप हमारे बिना ही जा रहे हैं चित्तौड़ से, और जा कहाँ रहे हैं आप? अच्छा हमें यह भी नहीं बताना चाहते कि आप जा कहाँ रहे हैं, मतलब आप अकेले ही जाना चाहते, आपको आपके मित्रों की कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर अब आप हमें अपना मित्र ही नहीं समझते? पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बस इतना जानते हैं कि कहीं दूर जाना चाहते हैं। बाबूजीराज ये कोई बात हुई भला, बिना गंतव्य जाने आप यात्रा का आरंभ कर रहे हैं? अच्छा जब तक आप ये निर्णय नहीं ले लेते कि आपको जाना कहाँ है, आप हमारे निवास स्थान को ही गंतव्य बना लीजिए। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बाबूजीराज, आप हमारे घर पे ही तो चल रहे। नहीं नहीं तय हो गया, बस अब इस पर कोई वाद विवाद नहीं चाहिए हमें, समझ गए ना आप? आइए चलिए ना बाबूजीराज। ठीक है। तस्वीर बना रही हैं आप? तस्वीर तो हम शहंशाह बैरम खान की बना रहे थे। शहंशाह के साथ मजाक, लाहौल ब्लॉक पर इस नाचीज की क्या मजाल जो शहंशाह हिंद के साथ मजाकी की गुस्ताख करे। आप खुद ही देख लीजिए ना किसकी तस्वीर बना रहे थे। गुस्ताखी मुआफ हो हुजूर, हम तो बस ये देखना चाह रहे थे कि आपके दिल में कितनी कशिश है हमारे लिए। तो क्या जाना आपने? ये न पूछ तो कुछ मुझसे, न मैं तुझे जवाब दूंगी। मैं जानती हूँ सवाल तेरा, तू जानता है जवाब मेरा। इतना ना चाहो हमको खुशी के मारे मर ही जा। आराम काम में बिना इजाजत आने के गुस्ताखी करने वाले इस बकबक को ले जाओ यहां से और इसके हजार टुकड़े कर दो। रहम से इंसान रहम, मुझे माफ कर दीजिए शहंशाह। रहम रहम से रहम, मुझे माफ कर दो शहंशाह, मुझे माफ कर दो। आपको जहमत तो होगी पर बुरा ना माने तो
आप ही पिरो देना इस खुले धागे को। हुजूर, माने तो एक बात अर्ज करें। बोलो। हमें लगता है आपको एक मुखौटा पहनना चाहिए। ने बड़े मुल्क का शहंशाह एक मामूली से खिदमतगार के सामने इस कदर खुल के संगदिली से पेश आता नजर आए, ये कुछ सेब नहीं देता आपको हुजूर। आपकी सूरत तो निहायत ही जहन दिल शहंशाह जैसी दिखनी चाहिए। अबरे आजम है हम, हमें किसी की परवाह नहीं और ना ही हम किसी के लिए मुखौटा पहनते हैं। क्यों जी, आपके दिल में हमारे लिए जो जज्बात है उन्हें तो बड़ी आसानी से छुपा लेते हैं। एक बार हमारे ये मुखौटा वाला मशवरा मान के तो देखें। इल्तिजा है बस तहे दिल से। उस गुस्ताख मुलाजिम को पेश किया जाए। जी हुकुम। आजाद किया जाए इस गुस्ताख मुलाजिम को। शहंशाह जिंदाबाद, शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। अपने अफ्तदान से छुट्टी लेकर अपने गांव जाओ और अपने घर वालों के साथ ऐश करो। जाओ। अरे, एक अदना सा खादिम आपके सामने इतनी बड़ी गुस्ताखी कर गया और आपने उसे ऐसे ही जाने दिया, वो भी ऐश करने के लिए। अगर ऐसा करेंगे तो कौन डरेगा आपसे? कमाल करती हैं आप, कभी तोला कभी माशा। सजा दी तो मुखौटा पहनने के लिए बोला रहम दिली का, रहम दिली दिखा के मुआफ किया, यूं कह रही हैं आप? हमने ऐसा कभी नहीं कहा हुजूर कि किसी गुस्ताखी करने वाले को आप मुआफ कर दें या गुनहगार को सजा ना दें। हमने तो आपसे सिर्फ इतना अर्ज किया था कि किसी खाकसार को सजा दें तो सरेआम ना दें, छुपा के पर्देदारी से बेशक दें। इतने बड़े मुल्क के हुक्मरान हैं, इसलिए ऊपर से आवाम को ये लगना चाहिए कि हमारे शहंशाह कितने नेक दिल हैं, कितने रहम दिल हैं। क्योंकि इतने बड़े मुल्क पे हुकूमत करी है तो आवाम के दिलों को जीतना भी ज़रूरी हो जाता है, मगर खौफ भी बना रहना चाहिए आपका अंदर ही अंदर। सुभानअल्लाह। गुस्ताख मुलाजिम जिस वक्त अपने घर जा रहा हो उस वक्त रात के वक्त उसके हजार टुकड़े कर दिए जाए और बतौर सबूत उसका कटा हुआ सर हमारे सामने पेश किया जाए। बाबूजीराज, आज हमें आपको भोजन परोसने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अच्छे से खाना है। अरे रायता लीजिए ना, खाइए खाइए। चक्रपाणी, खाने में कोई कमी तो नहीं है ना? दाल में नमक तो है ना बाबूजीराज? अरे नहीं नहीं चक्रपाणी, सब बराबर है जी। आप निश्चिंत रहिए भाई, इससे स्वादिष्ट भोजन हमने अपने जीवन में कभी नहीं खाया। आप भी खाइए खाइए खाइए, बोलिए मत, खाइए बाबूजीराज। अरे खीर तो खाई नहीं अपने, और खाइए लीजिए, खाइए खाइए लीजिए। सौभाग्यवती, अरे कहाँ हो तुम? जल्दी से जल्दी गर्मा गर्म रोटियां लेकर आओ और उनपे घी डालना मत बोलना। मैके में जैसे कंजूसी करती थी वैसे मत करना। हाँ आप छोड़िए पंडित जी की हड़बड़ी, आप और कुंवर प्रताप हमारे कक्ष में सो जाइएगा और हम और पंडित जी बाहर खुली हवा में अपना बिछौना बिछा लेंगे।
आप और पंडित जी बाहर खुले में क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे पंडित जी को ना बाहर खुली हवा में मन मन ठंडी हवा में खराटे लेने की आदत है। परंतु सौभाग्यवती ये ठीक बात नहीं है ना। अजब दे, हम दोनों में से बड़ा कौन है? बड़ी तो आप है सौभाग्यवती। पर न पर न परंतु, हम बड़े हैं इसलिए आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। बस अब एक क्षण रुकिए। अजब दे, अब पहली बार हमारे घर आई हैं। ये हमारी ओर से आपके लिए छोटी सी भेंट। हमारे पास तो यही आपको देने के लिए। सौभाग्यवती, आप इसे छोटी सी भेंट कह रही है? ये तो सुहाग का प्रतीक होता है और एक सुहागन के लिए सुहाग की निशानी से बढ़कर और कौन सी भेंट हो सकती है? मीजी, आप स्वयं इसे अपने हाथों से हमें पहनाइए। चिंतित हो रही है, ये तो आभूषण होते हैं योद्धा के। आप लेट जाइए, हमें इस पर औषध तेल करना है। नहीं अजबते, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप भी थक चुकी हैं दिन भर के श्रम से, आपको विश्राम की आवश्यकता है। देखिए कुंवर प्रताप, हम आपकी पत्नी हैं और आपको हमारे बातों का मान रखना चाहिए। जाइए लेटिए आप। अजबते लेटिए। पंडित जी, हाँ, कौन है? हाँ, हम हैं, हम। तो फिर सोने दो ना। आप सो कैसे सकते हैं? अरे क्यों नहीं सो सकते, रात में हर एक मानव सोता है, हमसे तो क्या अपराध हो गया? चुप रहिए, आप भी ना कुछ समझते नहीं। अब आधी रात में जगा करके शास्त्रार्थ कराओगी क्या? नहीं जी। पंडित जी, हम तो ना अजब देव और कुंवर प्रताप को लेके उत्सुक है। आपको क्या लगता है क्या हो रहा भीतर? आप एक काम कीजिए, आप सोइए और हमें भी सोने दीजिए। सोइए सोइए। बोलो बोलो, क्या सिला मिला तुम्हें तुम्हारी तमाम कुर्बानियों का? बचपन से कभी मादरे वतन के लिए खून बहाया तो कभी अपने वालिद, कभी अपनी छोटी माँ, तो कभी अपने छोटे भाई जगमाल के लिए कुर्बानियां। पर क्या मिला तुम्हें? अपनी अम्मी जान तक को गवाना पड़ा,
तुम्हारे वालिद ने तुम पर यकीन नहीं किया, महल से निकाले गाले मादरे वतन से दर बदर कर दिया गया। अब ये हालत है, न घर है न बार, अपने गरीब दोस्त के घर सो रहे, कहां जाओ, किसके लिए लड़ो, हमारी खिदमत में आ जाओ, हम देंगे तुम्हें तुम्हारी काबिलियत के मुताबिक रुतबा, हम देंगे तुम्हें काम, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का नया मतलब। एक बार हमारे सामने सर झुका कर खड़े हो जाओ, फिर हम तुम्हारी ऐश ऐश करवाएंगे, झुक कर कदम बोसी कर लो हमारे सामने, कॉर्निश बजा लो हमारे सामने झुक कर, कॉर्निश। हम तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे, मुगल झुकेंगे।